नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं भारत और यूरोपियन यूनियन में अभी जो हाल ही में वर्चुअल समिट हुई है, उसमें क्या क्या निर्णय ले गए, क्या क्या बातें की गई, तो इन सभी मुद्दों के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसी मीटिंग में हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, तो उन्होंने यहाँ पर अर्ज भी किया यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स है उनको कि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है तो उसको आप सपोर्ट करें WTO में। किसके लिए? ये जो वैक्सीन वेवियर है ना, उसके लिए। में जो IPR राइट्स है ना, उनके वेवियर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो अगर IPR राइट्स वेव ऑफ होते हैं वैक्सीन के, तो जिनकी भी रिसर्च है, जिन कंपनीज की रिसर्च है, फिर उनका फॉर्मूला यूज करके जो बाकी कंपनीज हैं जिन्होंने रिसर्च नहीं की लेकिन उनके पास पर्याप्त कैपेसिटी है, मशीनरी है, प्लांट है कि वो वैक्सीन बना सकते हैं, तो वो भी बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर सप्लाई बढ़ती है ना, तो जल्दी से जल्दी हम एक दिन में 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक एक दिन में हम लोगों को वैक्सीनेट कर सकेंगे, और जो दोनों डोजेज है ना, वो टाइमली मैनर पे हम जो है उसको प्रोवाइड कर सकेंगे अपने देश के लोगों को। तो इससे भारत का भी फायदा होगा और जो बाकी दुनिया के देश हैं, जो वहाँ के लोग हैं, तो उनको भी फायदा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी शुरुआत में यहाँ पर बात कही जा रही है कि वर्चुअल समिट हुई है बिटवीन मोदी जी एंड 27 मेंबर EU। तो यूरोपियन यूनियन में अभी सिर्फ 27 मेंबर्स हैं, पहले 28 हुआ करते थे, लेकिन अभी 2020 से ऑफिशियली रूप से जो ब्रिटेन है वो एग्जिट हो गया है यूरोपियन यूनियन से, अभी वो EU का मेंबर नहीं है। ओके, तो अभी 27 मेंबर है। और एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात हुई है, वो ही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर। यहाँ पर 8 साल बाद जो है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर जो है चर्चा की गई है। तो अभी इसके ऊपर और सहमति बनाई जाएगी आने वाले समय में, और मतलब प्रैक्टिकल रूप में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो मैं डिटेल में आगे बताऊंगा कि क्या भारत का किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या नहीं है। ओके, तो ये होता क्या है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रिप्स क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मीटिंग में क्या क्या बातें हुई पहले वो देख लें। तो अभी अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन, तो अभी ये नेगोशिएशंस यहाँ पर ना, इसके ऊपर यहाँ पर कुछ आम सहमति बनाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट जो है ना, उसको लॉन्च करने जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट कहने का मतलब कि जब भी व्यापार हो, ट्रेड हो आपस में दोनों यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में, जिन जिन भी यहाँ पर लोगों की इन्वेस्टमेंट है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसमें अगर कोई प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है ना, तो मतलब प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज ना किया जाए, मतलब अपनी मार्केट में एंटर करने के लिए उसको यहाँ पर परमिशन दी जाए, ऐसे माहौल ना क्रिएट किए जाए कि उस प्रोडक्ट को आपकी मार्केट में कोई पूछे ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से एक जो है इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट होगा कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उनको भी यहाँ पर फायदा जो है नजर आता मिले। इसके अलावा बात करें जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स है ना, तो उनके ऊपर भी अलग से यहाँ पर बात की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे इसकी बात की। तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स की अगर बात करूँ, तो भारत में बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर GI टैग दिया हुआ है भारत सरकार ने, और अगर किसी प्रोडक्ट को GI टैग मिलता है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और मतलब कि बहुत पुरानी वस्तु है वो, और दूसरा मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें यूनिक जो है पाया जा रहा है, जिसके चलते उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और मतलब एक ना अलग सा लेवल उसका बना दिया जाता है जब किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बंगाली रसगुल्ला की बात करूँ, तो उसको भी GI टैग दिया हुआ है। अगर मैं कुछ यहाँ पर साड़ीज की बात करूँ, तो केरला में यहाँ पर बहुत सारी साड़ीज हैं, तमिलनाडु में ऐसी साड़ीज है जिनको GI टैग मिला हुआ है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का भी बहुत काम होता है जिसको कि GI टैग मिला हुआ है। और जैसे मैं फुलकारी की बात करूँ, तो पंजाब में ये फुलकारी यहाँ पर कपड़े के ऊपर इसको बनाया जाता है, तो उसको भी GI टैग मिला हुआ है। सो अभी इस मुद्दे के ऊपर आपस में चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करें कि अभी जो पैंडेमिक के साथ कैसे लड़ना है, तो उस मुद्दे के ऊपर भी समिट में चर्चा हुई। तो कैसे मेजर्स अपनाने हैं उसके ऊपर फोकस किया गया। दूसरा यहाँ पर बातचीत हुई है कि यहाँ पर सपोर्ट करेंगे दोनों एक दूसरे की, यहाँ पर सेफ और इक्विटेबल मैनर में यहाँ पर अफोर्डेबल असेस यहाँ पर दिया जाएगा वैक्सीन को। तो यहाँ पर सही मायने में वैक्सीन जिस तरीके से भारत में पहुंचनी चाहिए, तो यहाँ पर सपोर्ट करेगा EU। और इसके अलावा और भी जो डायग्नोस्टिक्स या ट्रीटमेंट के जो संसाधन है, वो भी यहाँ पर एक दूसरे को प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से देखा जा रहा है। देखो, जब जब सेकेंड वेव जब शुरू हुई थी अक्टूबर के महीने में, उसके बाद जब ये जनवरी का महीना आया, तो मतलब इतने बड़े पैमाने पर पैंडेमिक नहीं फैला था सेकेंड वेव की। अगर हम बात करें तो जनवरी 2021 की बात करें, तो उस समय भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर, ये फरवरी महीने में बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया है वैक्सीन का। ओके, लेकिन अभी एक्सपोर्ट को रोका हुआ है क्योंकि अभी भारत में पहले जरूरत है। तो अभी ये भी सिचुएशन है, भारत अपना फर्ज निभा रहा है
अभी जो यूरोपियन नेशंस है, बाकी जो बाकी जो नेशंस है ना, अभी उनके ऊपर है कि वो भी अपना फर्ज निभाए। तो अब आगे बात कर रहे हैं कि अभी एक अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन करेंगे ऑफ जॉइंट टास्क फोर्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर भी यहाँ पर एग्रीमेंट होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर यूरोपोल और सीबीआई, इन दोनों के बीच में भी एक वर्किंग अरेंजमेंट जो है वो होगा, ताकि जो कि जो टेररिज्म है उसको जो है खत्म किया जा सके दोनों देशों में। तो अगर हम यूरोपियन यूनियन की भी बात करें तो बहुत सारे देश वहां पर है जहां पर आतंकी हमले होते रहे हैं। तो फ्रांस में भी रिसेंटली अभी हुआ, ओके, तो यूके में भी होते रहे हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी काफी यहाँ पर ऐसे हमले होते हैं। तो वो यूरोपोल जो है ना, ये पूरी यूरोपियन जो पुलिस है, तो उसको हम यहाँ पर यूरोपोल बोलते हैं। जैसे इंटरपोल होता है, जिसको हम इंटरनेशनल पुलिस भी बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म इसको इंटरपोल बोलते हैं। उसमें ऐसा है कि अगर उसके मेंबर बनते हैं, उस बॉडी के, इंटरपोल के मेंबर बनता है कोई भी देश, तो उस देश की पुलिस जो है ना, अगर कोई भी ऐसा मेंबर, कोई भी बंदा पकड़ना चाह रही है कि जो कि किसी पर्टिकुलर देश में भाग गया है, तो इंटरपोल मदद करती है फिर उस देश की। ओके, तो ये उन्हीं की मदद होती है जो मेंबर कंट्रीज हैं इंटरपोल की। तो यहाँ पर ये यूरोपोल और सीबीआई, ये भी दोनों इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। तो ये क्या होता है, ये कि एग्रीमेंट होता है किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में या फिर दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में। ओके, तो यहाँ पर हाल ही में एक यहाँ पर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एग्रीमेंट हुआ था। तो यहाँ पर 10 एशियन कंट्रीज थे, चाइना था, ओके, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, तो यहाँ पर फिलीपींस था। तो इन सभी कंट्रीज ने मिलकर यहाँ पर एफटीए साइन किया था। तो इसमें ऐसा था कि आपस में जो भी जिस कंट्री का, जिस कंट्री जिस भी चीज में आगे है ना, जिस भी प्रोडक्शन में आगे है, तो उसको आगे सस्ते दामों पर भेजेगा दूसरी कंट्री में। ओके, तो यहाँ पर इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा गया था, लेकिन भारत को भी यहाँ पर शामिल किया गया था शुरुआत, लेकिन भारत खुद ही पीछे हट गया। तो भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि हमारा बहुत ज्यादा सेक्टर ऐसा है जहां पर कि अगर ये आरसीईपी में एंटर करता है भारत, तो हमारे सेक्टर्स का नुकसान हो जाएगा। ओके, जैसे बहुत सारे नेशन ऐसे जहां पर दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, अगर भारत में उसकी एंट्री दे दी और सस्ते दामों पर यहाँ पर दूध बेचेंगे, तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है मिल्क प्रोडक्शन की, तो वो कहाँ जाएगी। ओके, तो इंडिया में सबसे ज्यादा अगर मिल्क प्रोडक्शन होती तो कौन से राज्य में होती है, उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो अभी बात करें कि यहाँ पर कंट्रीज जो है आपस में सहमति जताती हैं, कुछ जिम्मेदारियां जो है ना वो यहाँ पर निभाती हैं, जिसके तहत ये पाया जाता है कि कोई भी यहाँ पर व्यापार होता है ना, कोई भी गुड्स और सर्विसेज के रिलेटेड, तो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभानी है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन करके चलना है कि जिन्होंने पैसा लगाया, प्रोडक्ट बनाकर आपकी मार्केट में भेजा है ना, उसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए, मतलब उस प्रोडक्ट को अनदेखा ना किया जाए आपकी मार्केट में, अपनी मार्केट में जगह दें, इस तरीके का एनवायरमेंट उस प्रोडक्ट का बनाया जाए ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करके चला जाए। ऐसा ना कि मतलब सामान भेज दिया वो वहां बिके ना, आपने सर्कमस्टांसेस ही अपने देश में ऐसे बना दिए, इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा लगा दी कि जो बाहर से जो प्रोडक्ट आपके देश में गया वो बिका नहीं, आपके देश के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो मतलब ये इन्वेस्टर्स का भी नुकसान हो जाएगा यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उनका भी प्रोटेक्शन करके चलना है, कि मतलब एक देश की खुद की रिसर्च है, भारत की खुद की रिसर्च है, उस रिसर्च करके उस प्रोडक्ट को बनाया गया, फिर बाद में भेजा गया यूरोपियन यूनियन में, तो वहां पर उसी प्रोडक्ट को कॉपी करके दोबारा से प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये इन चीजों का हनन नहीं करना। तो ये मतलब सभी बातें यहाँ पर की जाती हैं, और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर चर्चा करके यहाँ पर एग्रीमेंट होता है। इसको हम, इस पूरे सिनेरियो को हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अलावा बात कर रहे हैं ट्रिप्स की। तो ट्रिप्स का पूरा मतलब है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, तो ये 1995 में ये इफेक्ट में आया था। तो डब्ल्यूटीओ में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो भी डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्रीज थी। तो यहाँ पर एक तरीके से इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट था बिटवीन ऑल मेंबर नेशंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या था, तो यहाँ पर बात कही गई, यहाँ पर मिनिमम स्टैंडर्ड जो है ना उनको यहाँ पर फॉलो करके चलेंगे, जिसके चलते जो मेंबर्स होंगे डब्ल्यूटीओ के, तो यहाँ पर ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कि किसी भी देश का पेटेंट जो है ना, दूसरे देश में अगर जाता है व्यापार करने जाता है, तो उस पेटेंट का मतलब उस प्रोडक्ट का मतलब गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मतलब खुद से उसको कॉपी करके आप प्रोडक्शन नहीं शुरू कर सकते। तो इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि इसकी प्रोटेक्शन ये चलते चलते यहाँ पर व्यापार में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये भी बात कही गई थी इस ट्रिप्स एग्रीमेंट में। ओके, तो जिस तरीके से यहाँ पर कोई मेंबर कंट्री काम करना चाहे, तो यहाँ पर उसको आजादी है जिस तरीके से अपना मेथड वो यहाँ पर अपनाना चाहे, कि मतलब किस तरीके से वो अपना लीगल सिस्टम के अंतर्गत रहते हुए अपना अपना ट्रेड का प्रैक्टिस करना चाह रही, तो अभी उसको यहाँ पर आजादी दी हुई है इस एग्रीमेंट के तहत, कि अपनी प्रोडक्शन किस तरीके, कितनी भेजनी है वो आपके ऊपर है, किस तरीके से व्यापार करना है दूसरे देश के साथ वो आपके ऊपर है। इसको 1994 में साइन किया गया था, अफेक्ट हुआ था ये 1995 में, मतलब ये होंद में आ गया था। जब ये जहाँ साइन हुआ था वो यहाँ पर मराकेश मोरक्को में हुआ था,
जो लैंग्वेजेस यहाँ पर ऑफिशियल हैं वो है इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। और अभी हम बात करते हैं, क्या भारत का किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? तो हाँ है। तो यहाँ पर ये सभी के सभी लिस्ट है जिसके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रूल्स 2008। ओके, तो उसके तहत यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे ज्यादातर ये कंट्रीज अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, तो वहां पर भी भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ हमारा एफटीए है, बांग्लादेश, भूटान, सेलोन। तो ये सेलोन किस देश का नाम है? ये सेलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। ओके, तो इसके साथ भी एफटीए है। इसके बाद चिली की बात करें, फिर यहाँ पर कोरिया की बात करें, तो कोरिया के साथ भी हमारा एफटीए साइन है। ओके, तो इसके अलावा मालदीव्स है, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ओके, सिंगापुर। तो यहाँ पर ये साफ्टा ट्रेड एग्रीमेंट, तो यहाँ पर भी जो, अब यहाँ पर साउथ एशियन यहाँ पर जो नेशंस हैं उनके साथ एग्रीमेंट यहाँ पर है भारत का। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सिनेरियो आप देख सकते हो भारत के एफटीए का। तो यहाँ पर देखो, अगर हम सार्क नेशंस की बात करें ना, तो सार्क नेशंस में ऐसा है कि जिसमें पाकिस्तान भी आता है, जिसमें नेपाल, मतलब भारत के जो आसपास के कंट्रीज जिसके साथ भारत का बॉर्डर है और जो आसपास की कंट्रीज है, तो वहां पर हर एक देश के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ओके, यहाँ पर भी जो है ना, आपसी जो करेंसी होती है ना, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि मतलब जो हमारी करेंसी है और जो दूसरे देश की करेंसी है उसी में व्यापार करेंगे हम दोनों। और अगर हम बात करें इस मर्कोसुर की, तो ये यहाँ पर एक साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है जिसके साथ भी भारत सरकार ने यहाँ पर एफटीए साइन करके रखा हुआ है। और आगे यहाँ पर बात करें, जो हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के यहाँ पर जो मंत्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी इन्हीं के पास है, तो पीयूष गोयल जी, तुमने यहाँ पर बात रखी है कि अगर यूरोप की बात करें तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी हाई है, और यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव है और यहाँ पर रीजनेबल है। अगर इंडिया में यहाँ पर जो खर्चा आता है किसी भी प्रोडक्शन के मायने में, तो यहाँ पर यूरोपियन बिजनेस के पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया में आके प्रोडक्शन करें, इंडिया में प्लांट लगाए, मशीनरी लगाए और अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पर एक तरीके से विन विन पार्टनरशिप होगी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में और भारत में। तो यहाँ पर जितने भी यू लीडर्स हैं, तो यहाँ पर समिट में जो मौजूद थे, तो उन्होंने भारत का धन्यवाद भी किया है कि जब उनको जरूरत थी तब उस समय भारत ने मेडिकल सप्लाईज उनको पिछले साल भेजी, जिस समय वहां पर कोविड-19 के केसेस काफी ज्यादा थे। ओके, तो फ्रांस की हालत तो उस समय बहुत खराब थी, जर्मनी, फ्रांस, यूके, मतलब बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु वहां पर हुई थी। तो इन्हीं से यहाँ पर ज्यादा इम्पैक्ट आगे पड़ना शुरू हुआ था। तो उन्होंने यहाँ पर एकजुटता भी दिखाई है कि वो इंडियन सिटीजन के साथ हैं, तो अभी जिस तरीके की सपोर्ट भारत को चाहिए तो वो यहाँ पर देने के लिए तैयार है। यहाँ पर सेकेंड वेव से भारत अभी जूझ रहा है, तो अभी हमारे पीएम ने भी यहाँ पर अप्रिशिएट किया है यूरोपियन यूनियन को कि उन्होंने यहाँ पर बहुत जल्दी से यहाँ पर सपोर्ट भेजी है पैंडेमिक के चलते यहाँ पर लड़ते हुए भारत को। जैसे अभी मैंने परसों भी लेक्चर डाला था, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड, तो इन सभी राज्यों से, सभी कंट्री से जो यहाँ पर मदद है भारत के लिए वो आ रही है लगातार। और अगर आगे बात करें तो दोनों साइड से यहाँ पर जो है कॉपरेशन के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ, सहमति हुई है, जिसके चलते ये बात करें कि यहाँ पर जो है अच्छी रेजिलेंट मेडिकल सप्लाई चेन उसको बरकरार रखा जाएगा, अच्छी वैक्सीन जो है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है जिसको हम एपीआई बोलते हैं, ये होते हैं जो किसी भी वैक्सीन को, यहाँ पर किसी भी ड्रग को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं उसको हम यहाँ पर हम एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि ज्यादातर हम चाइना से इम्पोर्ट करते थे। अभी भारत सरकार यहाँ पर फोकस करे कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो खुद से भी मैन्युफैक्चर करें, तो चाइना से इम्पोर्ट करते थे, इसलिए दवाइयाँ यहाँ पर उनका निर्माण जब होता था सस्ता होता था, लेकिन उसका जो एंड इफेक्ट होता था ना कि मतलब जो कंज्यूमर्स हैं भारत के, जहां तक दवाई पहुंचनी है कंज्यूमर्स को फायदा नहीं पहुंचता था, तो कंज्यूमर्स को मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर मतलब प्राइस लगाकर वो चीज बेची जाती थी। ओके, तो अभी भी वही सिनेरियो चल रहा है भारत के, जो अगर मेडिकल स्टोर्स की मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो अभी इसके अलावा बात करें कि जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल गुड मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स होंगे इनको इंश्योर करके, क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर करके जो है ना यहाँ पर आपस में काम किया जाएगा। इसके अलावा जो होस्ट है इस समिट के वो है पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। ओके, तो वो इस समिट के होस्ट हैं। इसके अलावा उन्होंने प्राउडली यहाँ पर जो अपना स्टेटस है उसके बारे में यहाँ पर कहा, एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने यहाँ पर बात रखी है। इसके अलावा जो बेल्जियम जो प्राइम मिनिस्टर है अलेक्जेंडर देक्रू, तो उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना बधाई दी है यहाँ पर इंडियन काउंटर पार्ट को कि मतलब आपने काफी मदद की है हमारी जब हमारे ऊपर संकट का समय था। मतलब ये अपनी खुद की जो है जो भाषा है गुजराती भाषा, उसमें यहाँ पर उनको बधाई दी गई, ग्रीटिंग्स दी गई। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट, उन्होंने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, तो क्या नाम है उनका, उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। तो उन्होंने सीधी सीधी बात कही है कि इंडिया को यहाँ पर लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है।
ओके, तो यहाँ पर सबको ही पता है कि जब दूसरों को जरूरत थी तो इंडिया ने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा दिया है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, लेकिन अभी सबको पता है कि भारत की खुद की सिचुएशन क्या है। ओके, तो वैक्सीन के मामले में भी भारत को लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं। तो ये बहुत मतलब कटाक्ष भरे शब्दों में यह बात उन्होंने इस समिट में कही थी। तो देखिए, इस स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि फ्रांस के साथ भारत की दोस्ती कहां तक पहुंच चुकी है। तो अभी हमने राफेल विमान खरीदे, तो अभी 3 विमान अभी एक दिन पहले दोबारा से मंगवाए गए हैं। तो अभी काफी मात्रा में राफेल हम और भी खरीदेंगे फ्यूचर में। तो काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी के ये विमान है। तो फ्रांस को भी भरोसा है भारत के ऊपर कि अगर मैं यहाँ पर अपने विमान बेचता हूँ तो कोई किसी तरीके के जो IPR है उस विमान के रिगार्डिंग उनको ठेस नहीं पहुंचेगी। ओके, तो बिजनेस बिजनेस की तरह ही चलेगा। और इसके अलावा भी मतलब एक दोस्ती जो है ना वो और बढ़िया यहाँ पर होती जा रही है फ्रांस और इंडिया के बीच में। और इसके अलावा जो स्पेन के PM है उनका भी नाम याद रखें, पेड्रो सांचेस, तो उन्होंने भी यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री का यहाँ पर धन्यवाद किया। तो अभी अगर मैं स्पेन की बात करूँ ना तो वहां पर भी मोनार्की है। ओके, वहां पर किंगडम ऑफ स्पेन स्पेन जो है इस तरीके से यहाँ पर उसको कहा जाता है। और उसके अंतर्गत यहाँ पर उन्होंने अपने जो मिनिस्टर्स है वो अपॉइंट किए हुए। जैसे पहले प्रथा होती थी भारत में, ऐसा होता था जैसे जितनी रियासतें भारत में होती थी ना, जो यहाँ पर राजा होता था उसके अंतर्गत उसका मंत्रालय चलता था, उसकी कैबिनेट चलती थी, शुरुआत प्राइम मिनिस्टर से होती थी। ओके, तो लेकिन भारत में मोनार्की नहीं है, भारत में रिपब्लिक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को यहाँ पर जो है मोनार्की की तरह उनके ऑपोजिट यहाँ पर देखा जाता है। इंग्लैंड में भी यहाँ पर मोनार्की है और स्पेन में भी यहाँ पर राजवंश ही यहाँ पर रूल कर रहा है, मोनार्की ही यहाँ पर रूल कर रही है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में और इस लेक्चर को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।